अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री सरफराज मुगल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फराज टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये आप साथ तस्वीर देख रहे हैं, ये एक भाई ने हमें अपने प्लाट का साइज़ लिख के हमें सेंड किया हुआ है। अपने प्लाट की पूरी डिटेल के साथ हमें पुमाइश सेंड की हुई है और इस पर हमने आज की वीडियो में नक्शा बनाना है कि इस पर प्लाट पर घर कैसे बन सकता है और कैसा नक्शा इस पर बनेगा, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और तस्वीर दिखाने का आपको ये मकसद है कि अगर आपका भी कोई प्लाट है 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का या मस्जिद का या बेसमेंट का, कोई भी अगर आपका ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, किसी भी जगह का आप हमसे नक्शा बनवाना चाहें लेआउट का, ठीक है, तो आप भी मुझे इस तरह अपनी जगह की तस्वीर सेंड कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल के साथ फरमाइशें लिख के अगर आप सेंड कर देंगे तो मैं आपका बड़ी आसानी के साथ नक्शा बना सकूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपका नक्शा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको फरमाइश पूरी एक्यूरेट इस तरह आपको मुझे देनी पड़ेगी। आज की वीडियो इस नक्शे पर है, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको नक्शा बनाने का तरीका भी आ जाएगा कि आप अपने घर में कापी के ऊपर कैसे नक्शा बना सकते हैं और उस नक्शे को समझने का तरीका भी आपको मैं बता दूंगा कि नक्शा, अगर आपको कोई नक्शा इंजीनियर का बना बनाया मिलता है तो उसको आप पढ़ कैसे सकते हैं, आपको पढ़ना भी आपको आज की वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आपको नक्शा बना बनाया मिलता है तो उसकी चेंजिंग भी आपको मैं बता दूंगा कि ये कमरा इधर से इधर भी कर सकते हैं या किचन इधर से उधर कर सकते हैं, किचन की जगह सीढ़ी भी कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखेंगे। आइए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ।
जी तो दोस्तों हमारा नक्शा मुकम्मल तैयार हो गया। अब आपने बिल्कुल नोट करना है, यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाले हैं। इसका प्लाट का साइज़ आप नोट करें, 46.5 इन के 46.5 फिट इसकी बैक साइड के इसकी पैमाइश है, और लेफ़्ट साइड से इसकी पैमाइश 28 फिट है, और राइट साइड से इसकी पैमाइश है प्लाट की 34.5 फिट, और फ्रंट का इसका साइज़ है 57.5 फिट। उसके बाद आ जाए कार पार्किंग, ये 15x16 की है, और ये मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है 5 फिट का, यहाँ पर दरवाज़ा लगेगा। ठीक हो गया, ये जो बड़ा दरवाज़ा घर को लगता है 5 फीट का ये लगेगा। उसके बाद आ जाएं, ये टीवी लॉन है 16x20 का है, इधर को 16 फुट इसकी पैमाइश है और इधर को 20 फीट इसकी पैमाइश है, और इसके साथ ही एक बेडरूम है 10x12.5 फुट का। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाएं, ये किचन है। ठीक है, ये किचन आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कोने में किचन है 11x8 का, और इसके साथ ये ओपन एरिया है। ठीक है, और इधर इसको एक विंडो लगेगी, ये ओपन एरिया। उसके बाद एक बेडरूम है ये 15x12 का। ठीक है, और इसके साथ ही एक ये इसको आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये इधर ये दरवाज़ा एक छोड़ा हुआ है, इसको आप जिसको बैठक बोलते हैं वो भी इसको बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहें तो दरवाज़ा बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ड्राइंग रूम बना दिया, ये बात है। इसके साथ ये लॉबी है, ठीक है, अलमारी वगैरह इधर बन जाएगी, कपड़ों वाली, बेसन वगैरह लग जाएगा, और ये बात 8x4 का ये बात है। ठीक हो गया, उसके साथ ही एक और बेडरूम है, ये भी 15x12 का है, सेम इसका भी, इसके साथ भी ये बात है, और अलमारी की जगह बनी हुई है बेहतरीन। ये दो मास्टर बेडरूम है आपके। ठीक हो गया, और ये स्टायर है, स्टायर आपकी 4.25 फिट की मैंने चढ़ाई हुई है, 45 इंच की। ठीक है, इधर से किचन की दीवार के साथ ये ऊपर जाएगी, और इसके नीचे एक बात है 9x4 का। ठीक हो गया, 9 फीट इसकी जगह, किचन और कमरों के दरमियान 9 फीट जगह, और ये 4.25 फीट की सीढ़ी है, और इस बाथरूम को उधर रोशनदान लग जाएगा इस ओपन एरिया में। ठीक हो गया, और आपने ये याद रखना, ये जो डबल लाइन वाली लाइनें हैं ना, ये बाउंड्री वाल, ये 9 इंच की दीवारें हैं, यानी कि जो डबल डबल लाइनें वाली यहाँ पे दीवारें हैं ये 9 इंच की हैं, और जो सिंगल लाइन की आपको नज़र आ रही हैं ये 4 इंच की दीवारें हैं। ठीक है, इस तरह नक्शा मुकम्मल होता है, और कमरों को दरवाजे मैंने लगाए हुए हैं 45 इंच के। ठीक है, और बाथरूम को दरवाजे दरवाज़ों की जगह छोड़ी हुई है 2.5 फुट की, ठीक है, 30 इंच की, और किचन का दरवाज़ा 3 फुट का लगाते हैं हम। ठीक है, और ये साथ आपको एक नक्शा बना के मैं दिखा रहा हूँ एक प्लाट का, अगर ऐसा कोई प्लाट हो तो उसकी पैमाइश कैसे करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ऐसे प्लाट की पैमाइश करना बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं आती। लंबाई ज़रबे चौड़ाई की पैमाइश करना तो आसान होता है, इसकी पैमाइश करने की भी मैं किसी वीडियो में आपको अगली किसी वीडियो में बताऊँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।